हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ दिव्या कश्यप फ्रॉम डीके ऑटो सब्सक्राइब। आप सभी का हमारे डीके ऑटो सब्सक्राइब चैनल पर स्वागत है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ करवा चौथ स्पेशल रंगोली। तो फटाफट से एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको हमारा रंगोली अच्छा लगता हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, जिस सर्कल आप किसी रस्सी के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट है जिससे कि आप सर्कल बना सकते हो तो आप उसमें भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपना आउटलाइन जो था वो ड्रॉ कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम पहले हेयर से स्टार्ट करते हैं, हेयर्स में कलर्स फिल करते हैं। तो पूरा पहले मैंने हेयर्स के पार्ट को ब्लैक कर लिया है, देन उसके बाद मैंने ब्लैक में थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स करके उसको शेडिंग दिया है। देन उसके बाद उसी कलर में थोड़ा सा ब्लू कलर मिक्स करके मैंने थोड़ा और हाईलाइट किया है ताकि एक अच्छा इफेक्ट आए। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर फिल करना स्टार्ट कर दिया है। बैकग्राउंड के लिए इसमें यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर में ब्लू कलर मिक्स किया है, एक इफ़ेक्ट देने की कोशिश की है, जैसे कि रात को हमारा जो आसमान है जैसा दिखता है वैसे ही। सर्कल का जो साइड पार्ट है उसमें थोड़ा सा हम ब्लैक कलर का शेडिंग दे देंगे जिससे कि वो बहुत ही अच्छा लुक आए। देन उसके बाद यहाँ पर मैं जूड़ा में पूरा ब्लैक कलर कर देती हूँ। देन जैसे ही मैंने ऊपर के हेयर को जिस तरीके से शेडिंग की थी बिल्कुल सेम उसी कलर से मैंने यहाँ पर भी शेडिंग की। देन यहाँ पर जो दिए का पोर्शन जो है उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें ब्राउन कलर ही यूज़ किया है एंड ऊपर के दिए का लव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने येलो एंड ऑरेंज कलर यूज़ किया है। देन उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे चांद, और चांद को पूरे व्हाइट कलर से कवर करने के बाद हल्का सा व्हाइट में ब्लैक मिक्स करके हम ऊपर से थोड़ा सा ड्रॉप कर देंगे जिससे कि ऐसा दिखे कि जो चांद है वो ओरिजिनल है। देन उसके बाद हम यहाँ पर छन्नी बनाएंगे। छन्नी में यहाँ पर मैंने येलो कलर किया है और फिर व्हाइट से एकदम हल्का हल्का मैंने यहाँ पर छन्नी की जाली यहाँ पर मैंने बनाई है। अब यहाँ पर मैं जितना भी बैक का बॉडी पोर्शन है मैं उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। नेक साइड का पर मैंने ईयर रिंग्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, थोड़ा सा ईयर रिंग्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, थोड़ा सा कपड़ा भी यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। और अब बारी है फ्लावर्स की। फ्लावर्स में मैंने पर्पल कलर और यहाँ पर पिंक कलर का यूज किया है और वाइट कलर के का गजरा भी यहाँ पर बनाया है। एंड उसके बाद हेयर का कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पर बाहर का जो बाहर के सर्कल में भी मैंने येलो कलर फिल कर दिया है। कलर यहाँ पर मैंने दो साइड में यूज किया है, एक साइड में मैंने सिर्फ येलो यूज किया है। देन उसके बाद जो उसका दूसरा साइड था उसमें मैंने थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करके आउटसाइड पे पूरे एक बार मैंने शेडिंग दे दी है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं फ्लावर्स पे आ गई हूँ। नीचे का जो फ्लावर्स बनाई थी उस पे कलर्स फिल करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं पिंक एंड रेड कलर का फ्लावर्स बनाऊंगी। तो यहाँ पर शेडिंग करने के लिए मैंने पिंक कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स किया जिससे कि यहाँ पर डार्क कलर बन गया है और उससे मैं शेडिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर जो भी उसकी बारीकियाँ हैं जितनी भी मुझे बारीकियाँ बनानी है उससे बना रही हूँ। देन हाईलाइट पोर्शन दिखाने के लिए मैंने पिंक कलर में व्हाइट कलर मिक्स कर दिया जिससे कि हाईलाइट पोर्शन भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और मेरा जो फ्लावर है वो बन के बहुत ही प्यारा आया है। देन फटाफट जो अगला हमारा फ्लावर्स था मैं उसमें रेड कलर फिल करना स्टार्ट कर दिया है और सेम प्रोसेस जैसे मैंने पिंक कलर में किया बिल्कुल शेडिंग करने के लिए वही प्रोसेस मैंने इसमें भी इन दोनों फ्लावर्स में भी मैंने अप्लाई किया है जिससे कि मेरी शेडिंग जो है वो बहुत ही प्यारी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने जो रेड कलर के दोनों फ्लावर्स है उसकी भी शेडिंग अच्छे तरीके से कर दी है और वो भी दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर जितने भी फूल की पत्तियाँ बनाई थी उसे भी दो कलर्स में डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन करके मैंने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर मैं ऊपर में एक गेंदे फूल का सर्कल बना रही हूँ जिससे कि जो खालीपन है वो दूर हो जाए और दिखने में अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर का यूज़ करने के बाद मैंने रेड कलर से उसमें थोड़ा बहुत कुछ आड़ा तिरछा सा यहाँ पर मैंने अंदर में छोटे छोटे डॉट बना दिए हैं जिससे कि वो दिखने में गेंदा फूल लगे। और यहाँ पर हमारी रंगोली कंप्लीट हो गई। तो आप भी इस रंगोली को ट्राई करिए, और अगर आपको हमारा रंगोली अच्छा लगता है और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।